नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे खटिक जाति की परंपराएं क्या हैं, उनकी संस्कृति क्या है और बच्चे के पैदाइश से लेके जीवन के मरण के बाद तक जो भी संस्कार खटिक जाति के लोग इस्तेमाल करते हैं उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि किस प्रकार खटिक जाति के भाइयों ने भारतीय प्राचीन संस्कारों एवं परंपराओं के अपने में सहेज रखा है, जिससे आज भी वो परंपराएं और संस्कृति जीवंत हैं। हमें इस अच्छे कृत्य के लिए खटिक जाति को धन्यवाद करना चाहिए, हम सभी को हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो चलिए, इस बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो में आज चर्चा का प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन सी परंपराएं हैं जो खटिक जाति के लोग आज भी निभाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जब कोई बच्चा इनके यहाँ पैदा होता है तो ऐसा होता है कि जो घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है, यानी कि जो पद में सबसे बड़ी होती है। अब यहाँ पर दो तरह के विषय आ जाते हैं, एक होता है पद और एक होता है उम्र में बड़ा। तो यहाँ पर जो खटिक जाति के पद में जो बड़ा होगा, यानी कि जो पद में बड़ा मतलब जो माँ की माँ जिंदा हो, यदि दादी जीवित होती हैं, यदि उस घर में जो बहू है उसकी सास जीवित हैं, तो जब बच्चा पैदा होगा, जिस बहू को बच्चा पैदा हुआ उसकी सास बर्तन को पीटते हुए घर के चारों तरफ घूमेगी, घर के आंगन से शुरू करेगी और घर के चारों तरफ पीटकर इस खुशी का सभी को सूचना देगी। ये एक तरीका था उनका सूचना देने का कि उनके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है। तो ये एक पुरानी परंपरा है जिसके द्वारा हम अनाउंसमेंट वगैरह करते थे। हम भारतीयों की ये परंपरा रही थी कि फूल के बर्तन को ही बजाया जाना चाहिए। ऐसी परंपराओं में मतलब मान्यता है कि फूल का ही बर्तन इस्तेमाल होना चाहिए। फूल का बर्तन अगर आप जानना चाहते हैं तो फूल के बर्तन वही हैं जो पीले कलर की धातु होती है और उनको मिश्रित धातुओं से बनाया जाता है। तो फूल के बर्तन को बजाकर ये घोषणा करती हैं कि हाँ, उनके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है। उसके पश्चात बच्चे को षष्ठी संस्कार के अंतर्गत लाया जाता है, जो छठवें दिन होता है। छठवें दिन उस बच्चे को सूप में लिटाया जाता है। यह एक परंपरा है जो भारतीय पद्धति में थी। अब मेरे मित्र सोच रहे होंगे कि इस परंपराओं का आज के टाइम पे भी कोई लेना देना नहीं है, उस समय भी सूप पे लिटाने से क्या लेना देना है। नहीं मित्र, उस समय लेना देना था, क्योंकि उस समय विज्ञान इतना एडवांस नहीं था और आज की तरह मॉडर्न साइंस नहीं था जो बेबी के सर्वाइवल को लेके बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो दिखने में कोई बेनिफिशियल नहीं लगते हैं लेकिन बेबी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि पहले के टाइम पे वैक्सीनेशन इत्यादि की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बहुत सारी ऐसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थे, ऐसे मेथड थे जिनसे हम बच्चों की इम्यूनिटी को डेवलप करते थे। तो इसी एक परंपरा में षष्ठी परंपरा आती है। षष्ठी परंपरा बच्चे के छठे दिन लागू हो जाती है और उसके बाद आता है बच्चों के 12वीं संस्कार। 12वें दिन मनाया जाता है। जब बच्चा 12 दिन का हो जाता है तो उसके 12वें दिन लोगों को आसपास उनके घर वाले रिश्तेदार इन सबको एकत्रित किया जाता है और उनके यहाँ एक भोज रखा जाता है। इस भोज कार्यक्रम में लोग बच्चों को उपहार स्वरूप बहुत सारी चीज़ें देते हैं। इसके साथ साथ ही उसी दिन से बच्चे को बाहर ले जाने की भी परंपराएं कई जगह पे हैं कि उसी 12वीं के बाद बच्चा बाहर जा सकता है। कुछ जगहों पर महीनों के बाद बच्चा बाहर जाता है, कुछ जगहों पर छठी के बाद बच्चा बाहर जाता है षष्ठी पर। तो अभी 12 दिन हो गया, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जब बच्चा महीने भर का होता है तो उसको कहता है मांसवारा संस्कार। मांसवारा नाम आप सुने होंगे, वो संस्कार भी अपने लोगों को अपने बच्चों को विधिवत देते हैं। और इन्हीं वजह से आज भी आप देखिए तो हमारे खटिक भाइयों की जो हाइट होती है और उनकी जेनेटिक करेक्टर्स कुछ अलग ही आज भी मिलते हैं, वो काफ़ी हष्टपुष्ट आपको समाज में मिलेंगे। तो अब इसके बाद चलते हैं आगे क्या होता है। ये तो तीन परंपराएं होंगी बच्चे के जन्म के बाद। उसके बाद मुंडन संस्कार होता है, वो 3 वर्ष की उम्र में होता है और बच्चा 3 से 5 वर्ष की उम्र में 3रे वर्ष या 5वें वर्ष मुंडन संस्कार के लिए अडॉप्ट किया जाता है और बच्चे का बाकायदा मुंडन किया जाता है। और दोस्तों, मैं बता दूं, क्योंकि खटिक जाति, जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया कि खटिक जाति मंदिरों से जुड़ी हुई जाति रही है और इसने सबसे पहले ये मंदिर में रहती थी क्योंकि ये पंडितों के बहुत करीब ही रहते थे। क्योंकि बलि परंपरा के बगैर कई पूजा पाठ जो कर्मकांड स्टार्ट किया बीच में हमारे सनातन धर्म में, बलि परंपरा का भी मिसयूज किया गया है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। लेकिन बलि परंपरा जो हमारे यहाँ चलती थी उसमें खटिक भाई मंदिर की साफ सफाई बलि इत्यादि को खुद मैनेज करते थे और इनका वही काम होता था, इसलिए मंदिरों से बहुत जुड़ी हुई जाति रही है। अक्सर आपको मंदिरों के आसपास खटिक जात के लोग अवश्य मिल जाएंगे और ज़्यादातर ये देवी माँ की पूजा करते हैं, मातृभक्ति होती है। और दोस्तों, मैं यही एक चीज़ और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करना चाहूंगा, खटिक जाति में महिलाओं को बड़ी स्वतंत्रता मिलती है। खटिक जाति की महिलाओं के ऊपर उतना दबाव नहीं बनाया जाता है, पुरुष का वर्चस्व नहीं है। हालांकि घर में पुरुष की अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन क्योंकि आप यहीं से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया इस वीडियो में कि ये हमारी पुरानी परंपराओं को ओतप्रोत किए हुए आज भी जी रहे हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि जो सनातन संस्कृति में और स्त्री का स्थान है वो काफी ऊपर था, काफी स्वच्छंद और स्वतंत्र स्त्रियों को सनातन में छोड़ने की परंपरा रही। तो उसके बाद आते हैं मुंडन। मुंडन के बाद उनका फिर शैक्षणिक कर्म होता है, फिर विवाह इत्यादि होता है। विवाह में भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि मेरे कुछ दर्शकों ने सवाल पूछा था कि खटिकों की जो शादी की परंपरा है, यदि कोई विधवा हो जाती है तो उसके साथ क्या परंपराएं निभाई जानी चाहिए। तो मैंने, हमारी टीम ने काम किया और उनके साथ खटिकों से बातचीत की। तो वहाँ दो ऑप्शन है, खटिक में विधवा विवाह की परंपराएं हैं और सत्य सनातन धर्म, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमेशा स्त्रियों के लिए बहुत ही स्वच्छंदता स्वतंत्रता की बात करता रहा है। तो उसी प्रकार वो स्त्री विवाह कर सकती है, लेकिन पहले प्रायोरिटी उसको ये देना पड़ेगा कि उसके घर में ही, जैसे मान लिया उसका पति जिस घर का था, उसका कोई भाई या कोई उसके घर में कोई बड़ा या कोई छोटा, यदि उसके साथ उसका वो तैयार है शादी करने के लिए, स्त्री जो विधवा है, तो फिर वो उसका विवाह प्रायोरिटी उसी को दी जाती थी कि उसी घर में वो फिर पुनः स्थापित हो जाए। और ऐसे विवाह के लिए बहुत सारे ये कोई परंपराओं का निर्वहन नहीं करना पड़ता था, इसको एक अलग विवाह पद्धति की जाती बताई जाती थी। हम आगे के वीडियो में जब खटिक जाति के विवाह परंपराओं पे हम वीडियो बनाएंगे तो हम आपको जरूर बताते रहेंगे कि कहाँ पे कौन सी परंपराएं की जाती हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बस हमको ये समझना है कि कौन कौन सी परंपराएं इनमें एडॉप्ट की जाती हैं। तो ये छोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कवर किया है इस वीडियो में, और आप सभी से दोस्तों से आग्रह करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं हम सभी, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी आप सभी भाइयों का ही चैनल है, आप जितना ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करेंगे हमारा ऊर्जा उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि हमको अच्छा लगता है जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। सीधी सी बात है, बहुत क्लियर। तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो ऊर्जा मिलती है, तो अच्छे वीडियोस प्रोड्यूस होते हैं। तो आप सभी से चाहूँगा कि टीम का हर उत्साह बढ़ाते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों तो वीडियोस आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये थी हमारी खटिक जाति की परंपरा, और हमने इन परंपराओं से जुड़े और भी वीडियोस बनाए हैं। आई बटन पर जाके आप देख पा रहे होंगे, एक वीडियो है जिसमें हमने ये बताया है कि खटिक जाति ने ही किस प्रकार सबसे पहले मुगलों से सामना किया है। तो उसका वीडियो आई बटन पे आपको मिल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। इसी कुछ छोटी सी चर्चा के साथ मैं आज आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।